नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाज़ी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा खुद क्यों सी भला? क्यों पता है मैं सूट अजीब जिया पाया। हिना आज बबर्ची खान से सीधा उठ के आ गई। नहीं या नहीं, उसका सूट एडा अच्छा है। थैंक यू। पेंटर दे फटेर का सूट पाया जिसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं। वैसे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। लगते है आज कोई अंग्रेजी की कोई आर्टिकल पढ़ के आए, कोई नई किताब पढ़ के आए। बाबे नु जिथे गल नहीं ना उड़दी उथे या इंग्लिश पा लेंदा या शेर पा लेंदा। मैनु ते समझ नहीं आंदी ताडे कपड़े ते तबसरे करदे ने। सही बात है। आप मरे बंदे दे कपड़े पांदे ने। मरे बंदे दे कपड़े छोटे हो जांदे ने, ओह वी पा लेने चाहिदे ने। मरे बंदे सानू मसीहत करके जाने के साडे बाद तुसी पाया करना। सानू वैसे भी मरे बंदे दे कपड़े लगदे। बाबा बेटा एक्साइटेड हो जांदा, बाबे दी दादी फौत हुई ना ओदे कपड़े पाके फिरन रहे। मैं पूछ बेटा, मैं कहता बाबा ये की? कहता दादा जी नू दादी दी कमी महसूस ना होवे। दादा जी मैनू खास बैठ के गुस्से होए ने। ओ ए गल्लां दा ते सिर्फ मैनू पता सी, आसफ नू कित्थों पता लग गया? ओ खाली कपड़े नहीं गुत ला के भी फिरन रहे सी बाबा। झूठे झूठे, साड़ी बाबी ते गंजी सी। ओ ते बड़े अखा च वाल पैंड है। ओ इस करके गंजी सी को हर वेले गाउंदी रहंदी सी। की? तेरा की जाना है बगाने पुत दा, वाल वाल हो जाना मेरी गुत दा। हिना नियाज़ी जी, इतना बुरा भी नहीं मेरा माजी। हमारे आज के पहले मेहमान का नाम ही उनका तारुफ है, अख़ुवत फाउंडेशन के रूए रवा जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब। हमारी आज की दूसरी मेहमान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता हिना नसरुल्ला साहिबा। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। हिना आप कैसी हैं? रमजान कैसा गुजर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमजान बहुत मुबारक। और आपका शो बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं। आपको बहुत मुबारक इस नए शो की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। रमजान अच्छा गुजर रहा है, मसरूफ गुजर रहा है और आपके साथ भी हूँ अभी। और हमारे साथ इस वक्त शो में मेहमानों के अलावा कुछ बिन बुलाए मेहमान भी मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल बेगर्स हैं और पहले भी हमारे शो में आते रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम इनको समझाएं कि ये काम अच्छा नहीं है, कोई और मेहनत वाला काम कर ले, मांगने में कुछ नहीं रखा हुआ। पहले से गल करते कि बिन बुलाए मेहमान चैनल तो जनाब मैं मी आप लोग हमें 10 दिन से कॉल कर रहे हैं कि राशन बैग्स कब आएंगे, हमें कब बुलाएंगे, हमने नहीं आपको बुलाया। दावत है जो पहला फोन आया बाहर निकले होने हो, कम से कम 4-5 हज़ार रुपया तो जेब च होना चाहिए बंदे दे। सारा कसूर हिना दा जी, हर बंदे नूं कहिंदी बिन मिलाए मेहमान, तू अपने प्रोग्राम नूं कुंडी क्यों नहीं ला के रखदा? पिछले इशारे तैनूं पैसे दे फिर आ, तू पैसे ना देंदा फिर ना आउंदे। तू आदत पाई भैड़ी इन्हां नूं, तू आप भैड़ा है। अच्छा देखो अपने लोग भैड़े कपड़े पा के आ रहे के मंगने वाले लगी है। ओ मरो तुसी 3 पीस पाओ, तुसी मंगने वाले लगना है। ओ तो मुंह ये हो जाने। यासिर साहब आप मुझे एक बात बताएं, आप इस चीज को इनकरेज क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों इशारे पे इनको पैसे दिए? ओ तरला ही ऐसा पांदे ने, मैं तुहानू की दसा, ए वेखो डांगा फड़ी है ओ तुसी मंगने दे राई कुरेश ही हो। पर एदां दे मुंह करके 10 रुपए दिंदा वा कि दुआ तो बिल्कुल दूर हो जांदा। इहने इस करके पैसे दित्ते कि जरूरत वेले ए वी उहनां कोलों मंग लै। ए नहीं है ना? हां जी। ए मैनूं कहिंदा मेरी गुलबर्ग च कोठी होनी सी। गुलबर्ग में? मैं क्या फिर बनाई क्यों नहीं? कहिंदा जेड़े बंदे कहिंदे ना जा माफ कर अल्लाह भला करे, ए ना ना कहिंदे तू मेरी कोठी होनी सी। ए जेड़ा पतला नहीं बैठा एक दिन मैनूं कहिंदा लोकां दे कोल ना मेरा करोड़ा रुपया फसे है। अच्छा जी। हां मैं क्या ओ केड़ा? कहिंदा हर जुमेरात नूं जेड़ा मैं थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाना। दूसरा वक्त केड़ा आ गया, लोकी इकट्ठा दे के राजी नहीं है। किड़ी किड़ी माड़ी गल वेखो, ओए एवें टाइम जाया करन दे, मंगो है कोई सही जेड़ा दर्जन आंटे एक ब्रेड ते नाल जैम लै देवे। है कोई सही? तेरा पिते दा परेशान है। सखी है ने मगर खुद जरूरतमंद ने। है कोई सखी? भुख लगी है, एक पिज़्ज़ा खवा देवे। चलें जी, हैं आप लोग प्रोफेशनल बेगर्स, डिमांड्स अपनी चेक करें। आजकल एक आम आदमी नहीं पिज्जा खा सकता, भाई आप लोगों को कोई कहां से पिज्जा दे? बाजी ऐसी केड़ा भी साफ दा पिज्जा मंगण दे, को दंदी वड्डी वाला दे दे। दंदी वड्डी वाला केड़ा सस्ता हुंदा, ओ भी महंगा ही हुंदा है। भाजन जिन्ना मर्जी महंगा, दंदी वड्डी वाले दा पता नहीं लगदा, माड़ा जिहा कैंची मारी दी ऐं करके। ओ तू उसे ही देखी जाना कबूतर जिहड़ा ए। कहंदे ने पिज्जा हां है
मेरे मुंडे नु पिछली वटी इदा मैं पिज़्ज़ा खवाया तुहानु कित्थों लै के दे दी पिज़्ज़ा मंग रहे अपना मुंह ते वेख जिवें पिज़्ज़े दी ग्रेवी हुंदी है ओ पिज़्ज़ा मंगण दे शकरां दे मुताबिक सड़े पकौड़े मंगो ओ बताऊं मंगो तुसी पिज़्ज़ा ही मंग लिया बाबा जुगता नहीं करी दियां सखावत करी दी ओए कित्थों पासे निकल जा तू आ शाह साहब कहंदे मैं पिछले साल अपने बच्चे नु पिज़्ज़ा लै के दित्ता इन्हां ने तां बच्चे नु पिज़्ज़े तों डराया ही जन्ना वा अच्छा ओते इहदे विच पता नहीं किहदा गोश्त पाउंदे आ ये नहीं खाई था उन्दा सुड़ते पर सुड़ते पर जाके आप खा लेंगे बाबे ने भी अपने बच्चों ने पिज़्ज़ा लैके दिता वाला किवें किवें बच्चा गिर भी रखे तो पिज़्ज़ा लै गया बाबा तो एडा कंजूस इन मैं क्या पिज़्ज़ा खवा मैनू कहिंदा इस गल नू पिज़्ज़ा ये तो पिज़्ज़े का एडा शकीन आ कल मैनू पिज़्ज़ा ना लभे मैं रास्ते उत्ते टमाटर रख के इन दिते पिज़्ज़ा तो ठीक है लेकिन अज ना क्रंची क्रंची आ नहीं पिज़्ज़ा के अलावा दाल साग खा लेते आप लोग नहीं नहीं बाजी दाल नहीं बाजी जे दाल ही खानी है तो फिर मंगने की कड़ी लोड़ है असीं बाजी जदों अगले घर मंगण वास्ते जाइए कोई चिकन होवे कोई मटन होवे ओ तां लै लईदा अच्छा जे कोई दाल सब्जी बनी होवे असीं अगले नूं पहले कह दईदा भाजी असीं कह दी ओ तुसीं मना कर दिओ किसे होर दा भला हो जांदा ओ लै जांदा तैनूं इक मशवरा देआं हां जी ओ छड्ड शोशू जा के सुचल मंगिया कर चंगी भली दिहाड़ी लग जाएगी तेरा मुंह लग रिहा है ओ दफा आ जा पिनिया बगैर परां तों पखा हुंदा फिर मुंह कैसी शक्ल दे ਐ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਫਕੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ हमारे मांगने पे आपको इतराज है और आप लोग मांग तांग के कई सालों से 70 सालों से अपने मुल्क की इकॉनमी चला रहे हैं कौन मांगता है मुझे बताएं जरा अच्छा तो आप उस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर यहाँ पे बैठ के मांग रहे हैं डॉक्टर साहब अख़ुत के कर्ज़े हसना के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हमारे देखने वालों को बताइए जी अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज़े हसन में तो पूरे दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें अल्लाह की रहमत इसका फ़लसफ़ा इस प्रोग्राम का और इसके कर्ज़े हसन की बरकत शामिल हैं जी तो फिर इसी के कामयाबी को देखते हुए कुछ और काम हमने शुरू किए एक हमने तालीमी मंसूबा जिसमें हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसमें भी हमने कहा कि बच्चे आज फीस नहीं देंगे बल्कि 10 साल बाद फीस देंगे या 20 साल बाद फीस देंगे जब वो फीस देने के काबिल हो जाएंगे तो इस हवाले से हम काम कर रहे हैं फिर हमने ख्वाजा सराओं की बेहतरी के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि ये भी तो हमारे अजीज हमारे जिगर गोशे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा क्लोज बैंक बनाया है जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हों या वो फैशन चला जाए या रंग ख़राब हो जाए या उनको अच्छे न लगे तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कपड़े हमें दे दें हम उनको ड्राई क्लीन कराते हैं पैक करवाते हैं और फिर अच्छा। उन लोगों को पेश करते हैं जिनके पास वो कपड़े नहीं हैं तो आपको सुनकर खुशी होगी कि 30 लाख जोड़े माशाल्लाह हमने इकट्ठे किए वो लोगों को दे रहे हैं जबरदस्त फिर एक हेल्थ का भी हमारा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीना है इसमें राशन पैक लोग हम पर एतमाद करते हुए हमें वसाइल देते हैं और हम राशन पैक ज़रूरतमंदों को पेश करते हैं घरों की तामीर के लिए कर्ज़े देना शुरू किए हुए हैं तो तकरीबन 25,000 घर हम बना चुके हैं लोगों को कर्ज़ा दे के तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं तो बुनियादी तसव्वुर यही है कि मवाखात मदीना कि एक आदमी को अपना ले 50% पाकिस्तानी अगर हैव्स हैं तो 50% हैव नॉट्स हैं तो ये 50% और ये 50% मिल जाएं तो हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं बेशक ये इसका तसव्वुर है आप खुशियां बखेरते हैं आपके साथी सारे जी। तो लेकिन ये है कि लोगों की ज़रूरियात पूरी होंगी तभी खुशी अच्छी लगती है अच्छी लगती है बेशक तो ये कुछ बुनियादी काम बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ज़बरदस्त है ना आप मुझे ये बताएं कि किस उम्र से आप कलाम पढ़ रही हैं और क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग किसी से तरबियत ली या फिर ये इन बिल्ट है बाय गॉड ये गिफ्टेड है तो ये गॉड गिफ्टेड और दूसरा घर का माहौल बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आपकी कैसी तरबियत हुई आपके वालदैन ने कैसी तरबियत की और स्टार्ट जो है मैंने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से किया एज अ चाइल्ड स्टार और बचपन से ये स्टार्ट था और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा ज़बरदस्त तो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि घर में जो है ना सपोर्ट किया जाए पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है वालदैन की तरफ से और बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है तो वालिद साहब ने भी फुल आपको सपोर्ट किया अबू ने बिल्कुल सपोर्ट किया और डेफिनेटली उनकी सपोर्ट की वजह से ही अब तक मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और काम करी और अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हूँ और अल्लाह और उसके हबीब का कलाम और बुजुर्गाने दीन के कलाम को आम करती हूँ। ये अल्लाह ताला का मुझ पर फजल है और उसके बाद वालदैन की दुआएं, उनकी सपोर्ट। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि डिजर्विंग लोगों का भी हक मार देते हैं और उन तक उनका हक पहुंचने नहीं देते? नहीं, अगर तो ये सच्ची बात है कि ये प्रोफेशनल हैं तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है कि इनको कोई काम करना चाहिए, कोई अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मांगने वाले से देने वाला बेहतर है। इसको काम को अपना एक पेशा नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको काम करें आप। माशाल्लाह, ये तो मुझे सारे चलते फिरते हट्टे कट्टे हैं सारे नौजवान नजर आ रहे हैं, सफर सिर्फ यही कमजोर से लगते हैं। डॉक्टर साहब, तेल हट्टे जे ओ बिचकारला कट्टा जे और इसके अलावा डॉक्टर साहब रात को सारे जिम करते जे जिम करनी पैंदी है क्योंकि मिनट मिनट बाद ऐ हथ करना पैंदा, सर पर खली पाई जांदी है। साडे नसीबा च है ना जी, वो खाना नहीं ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੁਫੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ ਚੋ ਜ਼ਰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਬਰਿਆਨੀ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵੀ, ਕੀਮਾ ਵੀ, ਆਲੂ ਸਾਗ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਆ। ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਟੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵੱਡ ਵੀਲਿੰਗ ਰਮੂ ਤੇਰੀ ਵੱਡ ਵੀਲਿੰਗ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ 14 ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਚੜਾਉਣੀਆਂ। ਆ ਫੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੂਰਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਗੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਲਾਈ ਅੱਗੇ। ਆ ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਵੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਾ। ਵੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਏ ਮਾਂਗ ਤਾਂਗ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਨੇ ਇਹ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇ ਮਾਂਗ ਤਾਂਗ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਸਰੀਹਨ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ 20 ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ 500,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। 500,000? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹੁਣ ਕਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨਾ ਬੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੂ ਅੱਜ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ڈاکٹر صاحب، آپ کو اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک تعلیمی ادارہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جی دیکھیں، ہم نے کہا کہ یہ چھوٹے قرضوں سے تو فوری طور پر آپ کسی بھی روزگار کو روزگار پہ لگاتے ہیں جی، لیکن جو معاشروں میں اصل تبدیلی آتی ہے نا، وہ تعلیم کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ گداگری کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، تو جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک شعور نہیں آئے گا جی، اس وقت تک کسی معاشرے میں ترقی نہیں ہوگی۔ دنیا میں دیکھو نا، ترقی یافتہ ممالک میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ نہ کوئی قد میں فرق ہے، نہ کوئی طاقت میں فرق ہے، نہ کوئی ذہانت میں فرق ہے، نہ کوئی ہمت میں، صرف اور صرف تعلیم کی کمی ہے۔ اور تعلیم کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ جو ماں باپ تو اپنے بچوں کو فیس دے کے پڑھا سکتے ہیں وہ تو ضرور پڑھائیں، پڑھا رہے ہیں، تو وہ جو لاکھوں کروڑوں بچے جن کے پاس فیس نہیں ہے، صلاحیت ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ آج پڑھ لیں، جب وہ کل کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر فیس اس وقت دے دیں، اس فیس سے پھر کوئی اور بچہ پڑھے گا، تو یہ شمع سے شمع روشن ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ہمبل ایفرٹ ہے کہ جہاں پر روزگار مل رہا ہے وہاں پر تعلیم بھی عام ہو جائے، اسی طریقے سے ہم معاشرے کو بہتر بنانے کی ان کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ سب لوگ کر رہے ہیں۔ پڑھا لو بچے منوسو، پڑھا لو، کل نو تواڈے بچے بھی کسی چنگے علاقے وچ منگن لگ پنگے۔ آصف صاحب، امجد بھائی کا یہ مقصد ہے کہ
शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। क्यों जी? अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बाबा तेरे को किताबें चुकली तू टकेदा नहीं है मैं तुझे शम्मा जला रहे हो अपना ते ताडा दिया बुझया होया निर्भर हमें मालूम है हम हैं चरागे आखरे शब हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ 9.9% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਲਗੇ ਐ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਕਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ 5000 ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਦੇਾਂਗੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਵੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਟੂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਗਰਸ ਹੈ ਕਿਆ ਉਨਸੇ ਵੀ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਪਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बच्चे के लिए पैसे दे दे वैसे ना मंगन दे अपने अपने तरीके ने कोई बंदा एक्सरे फड़दा है कोई बंदा कार्ड फड़दा है ते कोई बंदा चमोटा फड़दा है असल गल है ना जी कि ए काम जेड़ा ना मेरी बीवी देख दी है मैं फी फकीर रखे ना मेरी बेगम ने 25 कुड़ियां रखी है इस काम वास्ते जनाब 25 लड़कियां और बिजनेस कर बंदा खुला करे मतलब ये तो जुल्म कर रहे हैं आप लोग खुले आम दिहाड़ी देने दे रही थी जुल्म कर रहे उन्होंने नेना जी ऐसा सब तो हीर से बैठा है ये अपने नाक का एक्सरे करा के मांगता है कहता देखो मेरे दिल से सुराग है नेना मैं और आप भी बड़ा अच्छा मांग सकते हैं भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड नहीं आई एम मुझे गाड़ी में बैठ के जाएंगे गाड़ी से बाहर खड़े होंगे ऐसे हाथ देंगे वो गाड़ी रुकेगी हम कहेंगे वी आर नॉट प्रोफेशनल गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया वॉलेट घर रह गया थोड़े से पैसे दे दें कर्जे हंसने के तौर अच्छा वैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यू आर वन ऑफ देम जिस तरह से जिस प्रोफेशनल तरीके से आपने एक्ट करके बताया है ना कि वॉलेट घर रह गया है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है तो ये कभी क्या एक्सपीरियंस किया है बाबा मांगदा सी अच्छा इनू मार पई ताजे ने छड़े है का किंग जी लेके रोज इशारे ते खलो जांदा सी मेरा पेट्रोल मुक गया मैं एक बार 100 दिता दूजी बार फेर दिता अच्छा तीजी बार मैं कहो को इशारा ही बदल ला तू इसे जगह ते तेरा पेट्रोल मुकदा किंग जी रक्षा लेके एक बंदे नु रोज ही गया मेरा पेट्रोल मुकदा फिर उने ते बड़े सोहने ने थल्ले पैडल लवा दे उने कहा ला फाड़ो चैन लवा दी तेनू ਜਿੱਦਨ ਮਰਜੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਤਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਦਾਰ ਜੀ ਖੋਤਾ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨਾਥ ਖਾਨ ਸੇ ਆਪ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਫਾਲੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾਥ ਖਾਨ ਸੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਸੇ ਮੈਨੇ ਨਾਥ ਕੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾਥ ਖਾਨੀ ਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੇ और इसी तरह खुर्शीद साहब जी की बड़ी खूबसूरत नाते हैं कोई सलीका है आरजू का मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते इसी तरह यूसुफ मेमन साहब हमारे जितने भी लेजेंड्स नात में गए हैं सब ने अपनी अपनी जगह बड़ा अच्छा काम किया है और सबसे ही सीखा है सुन सुन के डॉक्टर साहब आपका इदारा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को ढूंढता किस तरह से है जी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से फिर कुछ मुख्तलिफ जितने स्कूल्स हैं उनके हेड टीचर्स को हम ख़त लिखते हैं अच्छा। कि वो मैट्रिक में जो बच्चे अच्छे नंबर लें उनको हमारे पास भेजें तो इसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जाकर अपने अपने शहर में अपने अपने गांव में बताते हैं और जिस तरह बहुत सारे और तरीके हैं माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन मिलती है वर्ड ऑफ माउथ बड़ा अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं लेकिन ज़ाहिर है हमारी अपनी एक कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम फिर उसमें से मुंतखब करते हैं एक तो वो इम्तिहान पहले देते हैं उसके बाद हम भी इम्तिहान लेते हैं उनका अच्छा ताकि हमें पूरी तरह ये अंदाज़ा हो कि वाकई कोई नकल वकल करके या इधर उधर से वो नंबर लेकर नहीं आए फिर हम उनके ख़ानदान का इंटरव्यू भी करते हैं उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू करते हैं कि आपका बच्चा जो है ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं ये कितना मेहनती है इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि वाकई उस ख़ानदान की ज़रूरत भी है या नहीं है तो इस तरह हम कोशिशें करते हैं देखें ये जो भी हमारे पास वसाइल आते हैं ये लोग बड़ी मोहब्बत से देते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ये दुरुस्त जगह पे इस्तेमाल हों बेशक तो इसलिए बेहतरीन बच्चों को ढूँढना और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना ताकि कल को वो फिर एक अच्छा शहरी बनकर
जो रेसिप्रोकेट करेंगे इस नेकी को तो वो किसी और के भले के लिए काम आएगी। तो इसमें बड़ा मेहनत से और फिर चारों सूबों में जाना, हमारे अदारे में तकरीबन इस वक्त कोई 60-70 इजलास से बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। कोई लोरालाई से है, कोई स्कर्दू से है, कोई नॉर्थ वजीरस्तान से है, कोई आज़ाद कश्मीर से है, सखर से है, बन्नू से है, राजनपुर से है। तो ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए है। और फिर ये जो कि रेजिडेंशियल है वो सब एक ही जगह रहते हैं तो बाहमी मोहब्बत का भी एक माहौल पैदा होता है और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जुबान, कल्चर, शायरी, अभी जैसे जवाद साहब बता रहे थे तो एक दूसरे से ये सीखते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हम हमारी जो डॉर्मेट्री होती है ना जिसमें कमरे में रहते हैं जी, उसमें चार चारपाइयां होती हैं, चार। अच्छा। तो हर एक सूबे से एक बच्चा वहाँ रहता है। अरे वाह, क्या बात है। ताकि वो एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती और मोहब्बत पैदा हो और इंटरकल्चरल हार्मनी भी होती है। हार्मनी भी है, कौमी यकजहती का एहसास है और जो फर्क है वो खत्म होता है, दोस्तियाँ होती हैं। अब वो बच्चे 58 इजला में या 100-200 शहरों में उनके दोस्त रह रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपको एक ताकत बख्शती है कि मैं पूरे मुल्क में मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तालीम तो है ही, बिल्कुल, तरबियत तो है ही, एक अच्छा शहरी बनाना तो है ही, लेकिन इससे कुछ कौमी मकासद भी हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त, अमेजिंग। यकजहती साढ़े बच्चे भी बहुत है सर जी, साढ़ा को मंगने वाला शेखू पूरे फड़िया जाए तो असं भी हड़ताल कर दी है। उसको मंगते वापस आई दा पैसे पूरे हो जाते, साढ़े तक मंगने वाले पुलिस फड़ लेना, साढ़े सारे मंगने वाले उस शहर से पहुंच जाते। बंदा चुकन सही साढ़ा एक बार इन्नी छेती तो अपोजिशन के MP नहीं कट्ठे होंगे जिन्नी छेती असं इकट्ठे हो जाए। सही कहना, कां तो मंगने वाले बड़ी छेती इकट्ठे होंगे है ना। आजकल जो नात खान हैं वो डफ बजाने वाली टीम या फिर कोरस या ग्रुप के साथ एक कवाली करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आप भी एक ग्रुप के साथ कवाली करें या इस तरह के कोई कलाम पेश करें? कवाली तो कवाली फॉर्म में, जैसे हमारा सूफियाना मैं कलाम करती हूँ, कवाली टाइप ही होता है उसमें, हमारी पूरी टीम होती है और हम परफॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो आप लोगों को सुनने को मिलेंगी इसी तरह। चलें, ज़बरदस्त, गुड लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अख़ुद यूनिवर्सिटी पे कितना खर्च आएगा और इसको तामीर करने में किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखें, ये यूनिवर्सिटी जो है, जिस तरह कहते हैं ना कि ये बस्ती जो है एक दिन में नहीं बसती, तो यूनिवर्सिटी, दरसगाहें, तालीमी अदारे एक दिन में नहीं बनते। बेशक। अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर तकरीबन 3-3.5 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है। माशाल्लाह। तो बच्चे हैं वहाँ पर, रहायश का भी है और साथ आपकी जो एकेडमिक ब्लॉक्स भी हैं। तो हमने, बड़ी मज़ेदार बात है कि हमने जब ये शुरू किया काम तो हमारे पास तो कोई पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कि लोगों से कहते हैं कि भाई एक ईंट खरीद लो। अच्छा। और उस ईंट की कीमत सिर्फ 1,000 रुपये, तो हम भी मंगता बन गए, लेकिन एक बड़े काज के लिए, बिल्कुल, एक बहुत बड़े अच्छी मिशन के लिए। तो उस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता आपके जरिए से अब हजारों लोगों तक बात पहुंचेगी, तो हर आदमी अपने अपने हिस्से की एक एक ईंट खरीदना शुरू कर दे, बिल्कुल, तो ये मुकम्मल होती चली जाएगी। इसमें नए इजाफे होंगे, नए स्कूल बनेंगे, नए कॉलेज, नई फैकल्टीज, नए डिसिप्लिन। तो इंशाल्लाह देख रहे हैं हम के कुछ वक्त के बाद हम तो नहीं होंगे, तो जैसे अभी जवाद साहब ने कहा कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, तो उजाले ही हैं इस मुल्क में। आने वाले दिन जो हैं इसमें हमें रोशनी नज़र आती है। ये दरसगाहें और बनेंगी और बहुत से लोग हमारी जगह पर आएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लोग देना चाहते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि मेरा पैसा ज़ाया तो नहीं होगा। जी, यही बात है कि अगर आप दयानतदारी से और शफाफ निज़ाम बनाकर अपना दिखा दें लोगों को, तो देने वालों की अच्छे मकासद के लिए कमी नहीं है। तानू देने वाले दी नहीं, एनन देने वाले दी। देने वाला क्रेडिबिलिटी देखता है, ऐसी शक्लें नहीं देखता। डॉक्टर साहब का माजी गवाह है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं उसी मकसद के लिए खर्च किए हैं। क्या बात। और अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने पैसे हैं उतनी ही ट्रांसपेरेंसी है। वाह। आज मैंने आपको इसलिए शो में बुलाया कि डॉक्टर साहब से कुछ सीखें।
अपने लिए मांगना बहुत आसान है, कौम और मिल्लत के लिए मांगना बहुत मुश्किल है। कुड़ी पता नहीं पागल है, कभी कहती है बिन बुलाया आ जाते, कभी कहती मैं आप बुलाया इन्हें। तेनों आवाज दो बैठी नहीं, किधर आवाज आनी, उधर देखा कर। मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो बंदा बोलते हैं आप उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, आपको कैसे पता चलता है? मिसीना जी, मैं ना बोला नहीं, लाइट ब्लू ते लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन पाया, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको तो नजर नहीं आता, इतना एक्यूरेट आपने कैसे गेस कर लिया? यार पता नहीं अन्ने दे पैरां च 1000 रुपए दा नोट किदा पिया है, मैनूं ये नहीं समझ आउंदा है जे अन्ना। ये तो अंधे बने हुए हैं भाई। बड़ी गलत है साहब, आप इन लोगों की मदद करना चाह रहे थे, ये तो सारे फ्रॉडी हैं भाई, ये तो मुल्क को लूट रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, पता नहीं कहाँ इतना पैसा आप लोग लेके जाएंगे। लोग बाजी जी लुटे जान डा है, 10 रुपये ने कितना को लुटे जाते होने। आप लोग कौन सा 10 रुपए का नोट ले लेते हैं? आप लोगों की भी डिमांड होती है, लाल नोट ही चाहिए। बाजी लाल नोट उन्होंने यकीन करो मेरे चाला नोट फड़ांदे हुंदा 10 रुपये ही। ये अंधे नहीं है, ये हम लोगों को अंधा बना के ना हमसे पैसे निकलवाते हैं। एग्जैक्टली निर्मल भी बहुत अच्छी लग रही है, मैरून सूट पाया है। और तू अन्ने? मैं अन्ना जरूर हूं, लेकिन मुझे कुड़ियां नजर आती हैं। अच्छा एक शर्त पे मैं आप लोगों को जाने दूंगी, वो शर्त ये है कि आप लोग मुझसे वादा करें कि आप लोग ये बेगिंग छोड़ देंगे, लोगों से भीख मांगना छोड़ देंगे, डॉक्टर साहब से आप लोग कर्जे हंसना लेंगे, अपना कारोबार शुरू करेंगे, इज्जत से रोटी रोजी कमाएंगे। जी ठीक है, मैनू पैसे ले दो, मैं स्कूल नहीं, आपको तो देने ही नहीं है, आपका तो प्रॉपर एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि दुकान के बाहर आप मांगना शुरू कर देंगे। मिसीना तुसी मेरा जमीर जगा दिता। अरे वाह वाह वाह, लो जी ए भी हमजा शहबाज ने वोट पाएगा। जमीर जाग ही गया है तो अब अंधे होने की एक्टिंग तो ना करो ना। सही बात है, अब ऐनक उतारें और सबको बता दें कि आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। मैं ऐनक ला दे देती हूं मिसीना जी, उन मेरी आंखां च अखां ना पाया, तुसी मेरा जमीर जगा दिता। मेरे को ना अद्धा हाथ आए, मैं इन्हां को कर्जा ला के छत के बच्चों ट्यूशन पढ़ाया करा। अरे वाह वाह भाई, तालियां। लेकिन जमीर ओदा जागदा हुंदा जिहदा सुत्ता होवे, तेरा मरिया होया वा। इना जी मैं लेकिन 2 महीने मंगना वा। क्यों? मेरे सिर ते पैसे चढ़े आ, क्योंकि मैं अपने जमीर नूं जगाउणा तां है, मैं इक वारी जगावांगा, मैं फिर उस तों बाद उहनूं सुणावांगा नहीं, मैं मेहनत करांगा, मैं मजदूरी करांगा, लेकिन इहनां दे पैसे मैं टाइम नाल वापस करांगा ताकि अगली वारी होर लै सकां। तूं काका इतना कर, 6 महीने मंगना। अच्छा जी 5 लाख मेरा भी देना तू पुत्र। भाई आपके कॉन्ट्रैक्टर को तो अब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सब तो ज्यादा गुस्सा ही है, उन्हीं को आ रहा है सबसे ज्यादा गुस्सा। अब आपका कारोबार तो ठप हो गया। बिना जी मेरा नहीं काम बंद होता, तीन मेरे इथों निकल गया ना, मैं सामने तीन फाड़ लेने। जनाब पीने ने दरखास्त लिखी हो थले पई, मंगण दे विच कुछ नहीं पिया, बस अज तो असीं ते वादा कर लिया सी नहीं, अज तो बाद मंगना। वेरी गुड वेरी गुड, जदों कोई चंगा बंदा टक्कर गया उहनूं कह भी लवांगे, एक दो आनूं कोई गल नहीं। आप नहीं सुधर सकते, आपकी वजह से ये लोग भी खराब हो जाएंगे। मैं कहना मैं इहनूं एक दो बंदिआं ने 500 रुपये दित्ता, मैं किदां सुधर जावां? ओहो तुम 500 पे रो रहे हो, डॉक्टर साहब तुम्हें 40,000 देंगे। जां तां मैनूं दे देण, मैनूं हुणे ही दे देण। ये आपकी नीयत में कुछ खराब लग रहा है, लग रहा है कि आपने कुछ इससे पैसों से कोई कारोबार नहीं करना, खा पी के फिर से आपने यहाँ बैठे होने। मैं उन्होंने टूटे पैसे लेने नहीं, 40,000 रुपया मैं वजह लेना वा, वजह जेड़ा ना मैं वो तो मैं फिर दिल ना अपने अहद करांगा, मैं इन्होंने कमावांगा, इन्हें तो मेहनत करांगा। मुझे नहीं भाई आप पे यकीन आ रहा, आई एम रियली सॉरी। ऐवें नहीं दे देंगे, उन्होंने कुछ सिस्टम है, उसके आएगा फिर प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर चेक इन बैलेंस होगा, ऐसे थोड़ी वो आपको 40,000 रुपए दे देंगे। महीने मेरे को गेड़े लगने नहीं, मैं फिर रास्ते जी तो जाना होना ना, तो फिर मेरा दिल करना। मैं ये कहता हूँ कि जो पैसे हम देते हैं वो इतनी बरकत वाले हैं जी, और हम उसको इतनी नेकनीयती से और इखलास से देते हैं जी, कि लोगों की काया पलट जाती है। अरे जितनी बातें इन्होंने की है ना, और जमीर भी जागे हैं, उन्होंने वादा भी किया है, तो थोड़ी सी मेहनत हम और करेंगे, इनको काम करना सिखाएंगे। अरे वाह, और उन लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने ये पेशा छोड़कर अच्छे काम किए हैं, तो मुझे यकीन है जिंदगी जो है ना वो उम्मीद का नाम है। अरे वाह, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बात है।